कैसे मान लूं, मैं कैसे मान लूं शाहजी कि आपकी इतनी हैसियत भी नहीं है हवेली में कि इतना बड़ा सच आपसे छुपाया जाए। लेकिन आपने गलत वक्त पे गलत हरकत की। गलत ही सही, लेकिन हमने अपना हाथ एक सैयद जादे की तरफ बढ़ाया था और तुम्हारा हाथ एक कमसात ने छुआ है। मैं जिसे दोस्त मान लेता हूँ उसकी जात या नस्ल जानने की। बोल ना, क्या पैगाम भेजा है? बता तो दूं, पर मुझे डर लग रहा है कि चाची ना आ जाए ऊपर से कहीं। तो फिर क्या उस वक्त बताएगी जब चाची आ जाएगी? अच्छा अच्छा बताती हूँ, इतना बेचैन क्यों हो रहा है? मैं क्यों बेचैन हूँ? जब पैगाम लाई है तो बताती क्यों नहीं? वो ना छोटी बीबी ने ना तुझे रात को मिलने के लिए बुलाया है। मिलने के लिए कहाँ? वो हवेली के पीछे कब्रिस्तान है ना, वहां पर। वहाँ क्यों बुलाया? तो और क्या, हवेली के अंदर आके मिलेगा उनसे। वो पर बुलाया क्यों है ये तो मुझे नहीं पता, पर अच्छू एक बात तो बता, उस रात क्या हुआ था जब तू छोटी बीबी जी को अपने तांगे में लेके गया था? तेरी छोटी बीबी ने तुझे नहीं बताया? नहीं। तो फिर मैं तुझे क्यों बताऊं? नहीं बताना तो ना सही। चल ठीक है माँ, तो उसे बता देना मैं काम पे चला गया। पर जाते हुए ये तो बता जा कि रात को तू आएगा ना। आ जाऊंगा। आएगा तो सही। अम्मा जी, तुमने असर की नमाज पढ़ ली? हाँ जी मैंने पढ़ ली। देखो बेटा, मुझे मेहरू के यास्मीन के साथ रवैये पर बहुत मायूसी हुई है। वो तुम्हारी भाभी है, अब इस घर का एक फर्द है, इसलिए हम सबको उसे कबूल करना ही पड़ेगा। जी आप ठीक कह रहे हैं। देखो बेटा, मैं जानती हूँ कि तुम जरा मेहरू से मुख्तलिफ सोच रखती हो, इसलिए दिन में एक आध बार वक्त निकाल कर उसके कमरे से हो आया करो। इस तरह से उसका दिल भी बहल जाएगा और वो हम सबसे घुल मिल भी जाएगी। जी ठीक है जी। तो चलो मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। अभी? क्यों, अभी मसरूफ हो? नहीं तो। तो फिर चलो आओ। हमीदा तू भी आ जा। जी बीबी जी। मोहब्बत का वादा, महबूब की मासूमियत, माँ बाप का हुक्म, ये किस गर्दाब में फंस गया हूं मैं? क्या करूं, किससे पूछूं?
जरीना जा देख जाके कौन आया। चम छोटे शाह जी आप यहाँ? मौलवी साहब घर पे हैं जी, अब्बा जी घर हैं। जरीना बाहर कौन है? अम्मा वो छोटे शाह जी हैं। शाह जी सलाम मौलवी साहब। वालेकुम अस्सलाम छोटे शाह जी, आइए आइए तशरीफ लाइए। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह छोटे शाह जी हमारे घर में, हमारे तो पाग ही जागे। नहीं नहीं यहाँ बैठ, यहाँ बैठ। श्री कुमार साहब रजिया लस्सी लेकर आप उतरी। अच्छा बजी शाह साहब आपने मुझे हुक्म कर दिया होता मैं खुद हाजिर हो जाता। नहीं मौलवी साहब इस तरह के हुक्म देने मुझे नहीं आते, काम मुझे था तो इसलिए मैं खुद ही चल के आ गया। सुभान अल्लाह, मेरे लिए तो ये बड़े फख्र की बात है कि आप मेरे घर पे तशरीफ लाए हैं। लाओ बेटा लीजिए शाह जी। शुक्रिया। और पीजिए ना शाह जी। नहीं जी बस मौलवी साहब आपकी खिदमत करके मैं फख्र भी कर सकता हूँ और दिली सुकून भी महसूस कर सकता हूँ। तेरा क्या ख्याल है क्यों आए शाह जी? मुझसे मिलने की तरफ ने बेचैन किया होगा ना, इसलिए आया शायद। आज दिन में ही बेचैन कर दिए तुझे क्या? अच्छा सुन तो सही क्या कह रहे हैं। जी शाह जी मैं पूछने की जसारत कर सकता हूँ कि आप किस सिलसिले में तशरीफ लाए हैं? जी मौलवी साहब मैं एक मसले का हल पूछने के लिए आपके पास आया हूँ। मसले का हल? और मैं भला किस काबिल हूँ? मौलवी साहब शायद ये तो आप जानते ही होंगे कि मैं बैरून मुल्क तालीम हासिल कर रहा था और मज़हब की तालीम उतनी हासिल नहीं कर सका जितनी एक सैयदजादे को हासिल करनी चाहिए, इसलिए मुझे आपकी मदद चाहिए। मैं तो हैरान रह गया हूँ शाह जी, असल में पीर साहब के होते हुए आप मसले का हल मुझसे पूछना चाह रहे हैं, इस बात की समझ नहीं आ रही मुझे। अगर मसला पैदा किया हुआ ही पीर साहब का हो तो वो इसका हल क्या बताएंगे? जी मैं कुछ समझा नहीं शाह जी। किसी बालिग आकल मर्द के लिए शरीयत क्या कहती है? क्या वो अपनी मर्जी से अपनी पसंद की लड़की से निकाह करने का हक रखता है या नहीं? देखिए शाह जी शरीयत तो यही कहती है कि बालिग और आकिल मर्द पूरा हक रखता है कि वो जिसे पसंद करे उससे निकाह करे। लेकिन उसके माँ बाप उसका निकाह कहीं और तय करते हैं जहाँ उसकी मर्जी शामिल नहीं, तो क्या करे वो? देखिए शाह जी माँ बाप का हुक्म मानना मुस्ताहब है, अल्लाह तबारक ताला वालिदैन के फर्मा बरदारों को पसंद फरमाते हैं, लेकिन इसके साथ साथ शरीयत ये भी कहती है कि लड़का अपनी पसंद की शादी करने का पूरा हक रखता है। मुझे मेरे मसले का वाज़े हल बताइए मौलवी साहब। बाबा जान ने मेरा रिश्ता मेरी चचाजाद से तय कर रखा है, आपको शायद पता ही होगा जी। और मुझे दो दिन पहले ही इस बात का पता चला है, लेकिन मैं किसी और को पसंद करता हूं। आप बताइए मैं क्या करूं? देखिए शाह जी इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, ये हवेली के मामलात हैं और मेरी इतनी औकात नहीं है कि मैं हवेली के मामलात में कोई राय भी दे सकूं।
तो आप भी हवेली के जाहो जलाल के सामने हार मानने वालों में से हैं। बस ये अपने अपनी औकात की बात है शाहजी, हार मानना पड़ती है। लेकिन मैं हार नहीं मानूंगा मौलवी साहब, चलता हूं। ही मसला लेके आ गया। तुमने तो अपनी मोहब्बत को मुंह जोर बना लिया है जेबी, ये कैसी बेचैनी है? पता नहीं आपा, अगर ये बेचैनी तो अजीब ही मजा रखती है। मैं कहां जानती थी कि मोहब्बत इतना मीठा एहसास रखती है। सोच क्या रहा छू, मोहब्बत तो तुझे भी होगी उस ऊंची जात वाली से। उसने मिलने के लिए बुलाया, शायद मोहब्बत का इजहार करना चाहती है। एक तांगे वाले के लिए एक सईदानी का ये हाल है, तो एक सईदानी के लिए उस तांगे वाले की क्या कैफियत होगी? अभी तो ये जानना जरूरी है कि उस तांगे वाले की दिल की क्या कैफियत है। अगर दोनों की तरफ से इजहार मोहब्बत हो गया तो हमारी इस मोहब्बत का अंजाम क्या होगा? अगर उसके दिल में भी मेरे लिए मोहब्बत हुई तो क्या तांगे वाला और क्या सैतानी? और अगर उसके दिल में मोहब्बत की जगह खौफ ने जगह बना रखी हुई तो? नहीं आपा, मुझे लगता है कि वो ऐसा नहीं है। वो सबसे अलग है, वो किसी से डरने वाला नहीं है। अगर मैं उस ऊंची जात वाली के साथ देख लिया गया तो मौत मेरा भी नसीब बनेगी। शायद जिल्लत उसके हिस्से में भी आएगी। क्या करूं, क्या करूं खुदाया। हाँ अमीता, वो आया? नहीं बीबी जी, अभी तक तो नहीं आया। शायद बड़े शाहजी ने कहीं उसे काम भेज दिया हो। एक तो मर्जात को काम बहुत पड़ जाते हैं ऐसे मौके पर। इतनी बेचैन मोहब्बत कहाँ होगी उसके दिल में। तुम परेशान मत हो जेबी, सुबह तक दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। नहीं आपा, वो जरूर आएगा। जब मोहब्बत दिल में हो तो किसी और बात की नहीं सोचती, ऐसा एक किताब में पढ़ा था हमने। शायद उस किताब में गलत था या तुम अपने आप को धोखा दे रही हो। आप फिक्र ना करें बीबी जी, मुझे पक्का यकीन है कि अच्छू पाई जरूर आएगा। उसने मुझे खुद कहा था कि वो जरूर आएगा। मैं चली जाती हूँ वहां, तब तक वहां इंतजार करूंगी जब तक वो आ नहीं जाता। मैंने वादा किया तो जाना तो होगा। क्यों करती? तुम्हें पता है बीबी जी कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी और वो सख्त नाराज है तुमसे इस टाइम। तेरी बीबी अगर सामने वाले दरवाजे से बुलाती तो बंदा हाजिर हो जाता, पीछे वाले दरवाजे से बुलाया, इसीलिए अच्छो अपनी मर्जी से आ जाके बता देना। अच्छा तुम यहाँ पे रुको, मैं बीबी जी को लेके आती हूँ।
बीबी जी अच्छू भाई आ गया है। चल चलते हैं। सुनो जेबी, पहले उसे आजमा देना, देख लेना कि उसे मोहब्बत रास आने वाली है या खौफ, तब अपनी मोहब्बत का इजहार करना।